नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। बर्मिंगम में खेले जा रहे ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय युवा शटलर लक्ष्य सेन ने धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इसी के साथ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने वाले 20 साल के लक्ष्य सेन भारत के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले भारत के चार खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं, जिनमें से दो खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम भी किया है। बता दें कि शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य का सामना मलेशिया के ली जी जिया से हुआ, जिसमें लक्ष्य ने ली जी जिया को 3 गेम तक चले मुकाबले में 21-13, 12-21, 21-19 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। आपको बताते चले कि अब लक्ष्य का सामना फाइनल मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन बनाम चाओ टीएन चैन मैच के विजेता से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो पहले गेम में लक्ष्य ने अच्छी खासी बढ़त बनाई। इसके बाद ली जी जिया ने दूसरे गेम में वापसी करके दिखाई। वहीं तीसरे गेम में ली जी जिया ने एक समय पर 17-16 की बढ़त हासिल की, लेकिन 76 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले के अंतिम समय में लक्ष्य ने जबरदस्त वापसी करते हुए ली जी जिया को 21-19 से शिकस्त देते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया। अब लक्ष्य के पास ये मौका है कि वो भारत के लिए 21 साल बाद ये प्रतियोगिता जीते। आखिरी बार भारत के दिग्गज शटलर पुलेली गोपीचंद ने ये कारनामा करके दिखाया था। उनके अलावा कोई अन्य खिलाड़ी पिछले 21 सालों में इस प्रतियोगिता में फाइनल तक भी अपनी राह नहीं बना पाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।